कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा हालात भयावह है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली हो या देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई हो, दोनों ही जगह कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से ऊपर जाते हुए, और इसीलिए लगातार हमने ये कोशिश की है हमारी आज बहस ना हो, बातचीत हो, समाधान निकले, और हमने राजनीतिक दलों के तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया है और हमने सबसे ये गुजारिश की है कि वो इस पर सियासत नहीं बल्कि इसकी गंभीरता को समझे, संजीदगी को समझे और इसका समाधान ढूंढे। अभी तक जो आपने चर्चा या बातचीत देखी है उसमें आपने सुना आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए, ज्यादा टेस्टिंग किट्स अवेलेबल कराई जाए। साथ ही संजय सिंह द्वारा ये भी कहा गया कि ICMR की गाइडलाइंस में बदलाव का वक्त आ गया है, और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए, ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी का सुझाव है। और महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी कोरोना विस्फोट हो रहा है, मुंबई आर्थिक कैपिटल जो है वो कोरोना कैपिटल बनती हुई नजर आ रही है, हॉटस्पॉट में कोरोना संक्रमण कम हुआ है, ये महाराष्ट्र सरकार अब कह रही है कि इंतजाम पूरे हैं, तैयारी पूरी है, मुंबई वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना के इलाज के लिए इंतजाम जो है वो बढ़ाए हैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ये कहा गया है। तो कई खास मेहमान जैसे कि हम आपसे बता रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त आपको बता देती हूं, पहले आप उन्हें क्रिकेट के मैदान पर उनके चौके छक्कों के लिए जानते थे, उनके एग्रेशन के लिए जानते थे, क्रिकेट भले ही पीछे छूट गया हो लेकिन एग्रेशन पीछे नहीं छूटा है। आपके स्क्रीन पर गौतम गंभीर, चाहे पाकिस्तान को जवाब देना हो या ऑपोजिशन को जवाब देना हो, गौतम गंभीर ही नेवर मिंस हिज वर्ड्स, वो हमेशा स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं। तो गौतम गंभीर बहुत बहुत स्वागत है, राजनीति में भी आप बहुत मुखर रहे हैं, और आज मैं आपसे जो पहला सवाल है गौतम, आपने टीम इंडिया की, आज हम कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान, सभी पॉलिटिकल पार्टी, सारे स्टेट्स, ये टीम इंडिया है और टीम इंडिया को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। मैं आपसे सीधा सवाल, पहला सवाल ये पूछ रही हूं, समाधान क्या है, ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, आपका मंत्र क्या होगा इस संकट से निकलने का? देखिए मंत्र ये किया जाए और सच्ची चीजें बोली जाए, झूठ बोलने से ना आपका खुद का लाभ होगा ना ही जनता का लाभ होगा, क्योंकि पहले दिन से लेकर आज तक अगर आप सिर्फ झूठी बोलते चले जा रहे हैं, झूठी बोलते चले जा रहे हैं, जब आपसे आंकड़े पूछे तो आप अबनॉक्शियस फिगर्स दे देते हैं, तो सच्ची नीयत की बहुत जरूरत है और कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच की बहुत जरूरत है इस टाइम पे। जनता को इमोशनल टच चाहिए, जनता को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके बारे में सोच सके, अपने बारे में नहीं, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, आपको अपने आप ने नहीं चुना आपने, तो इसलिए जनता के बारे में सोचिए और जनता की फिक्र करिए, क्योंकि पिछले 3 या 4 महीने में आपने जो चीजें बोली उसका बिल्कुल उल्टा किया। ठीक है, अगर आप सीएम साहब को देख लीजिए कि हम 1 करोड़ लोगों को खाना और राशन बांट रहे हैं रोज, अगले ही दिन 25 लाख माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो 400-500 किलोमीटर चलेगा अपनी फैमिली के साथ अगर उसको राशन और खाना मिल रहा होगा। उसके बाद आप कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे को पैसा दिलवाइए। फिर आपके जब मैंने ऑफर किया 1 करोड़ रुपए अपने एमपी लाड फंड से, जो मैंने पीएम केयर में नहीं सीएम रिलीफ फंड में सबसे पहले ऑफर किया था, फिर सीएम साहब कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे को पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। जितने वेंडर्स मैं जानता था, जितने वेंडर्स से हमने पीपीपी किट्स खरीदी थी, उनका नंबर, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट संजय सिंह जी को दिया। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी आप टैक्स, उसके बाद आपके पास क्योंकि बचाने को कुछ नहीं, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपने सब कुछ फ्री में बांट दिया, आप लिकर शॉप्स खोलते हैं, आपको इतनी जल्दी है सब कुछ खोलने की, जब लिकर शॉप्स खोली तो आपको यही नहीं पता था कि किस तरीके से चीजें मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फायदा नहीं हुआ, वहां पर लाखों लोग सड़क पे खड़े हुए, उसके बाद से जो दिल्ली की स्थिति हुई है उसके बाद से आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और अब आप उस सिचुएशन में हो जब आप सबको ब्लेम करते हो अपने आप को छोड़ के, आपको लगता है एक ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो सिर्फ ब्लेम पे ब्लेम करे जा रहा है हमारे, मैं बीजेपी का हूं इसलिए मैं सिर्फ बीजेपी की स्टेट्स की बात नहीं करूंगा, उत्तर प्रदेश में 16 लाख माइग्रेंट्स को वापस लिया है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब ने हैंडल करी है सिचुएशन, जिस तरीके से केरला ने हैंडल करी है सिचुएशन, बहुत बढ़िया तरीके से करी है, सारी प्रॉब्लम सिर्फ में आपने, क्योंकि आपने सारी प्रॉब्लम्स बताई, आपने समस्या बताई, हम चाहेंगे आप समाधान बताएं। अगर दिल्ली सरकार इस वक्त आपको सुन रही है, आपको पूरी दिल्ली इस वक्त सुन रही है, बतौर सांसद आप बताएं समाधान, मंत्र बताएं, ये होना चाहिए, 3 से 4 उपाय आप बताएं गौतम गंभीर। सबसे पहले तो टेस्टिंग अग्रेसिवली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग अग्रेसिवली करना। दूसरी चीज ये है कि जितने भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं उनको कोविड सेंटर्स कन्वर्ट सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो आपने एमसीडीज को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी है कि जहां पर वो उन सेंटर्स को
कन्वर्ट कर सके। मेरे खुद की कॉन्स्टिट्युएंसी में दो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको आपने अभी तक कोविड सेंटर नहीं कन्वर्ट किया, वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। एमसीडी पर तो बीजेपी रूल है, तो एमसीडी को तो आपने पावर ही नहीं दी ना वो कन्वर्ट करने के लिए। आप सिर्फ दिल्ली सरकार ही उसको कन्वर्ट कर सकती है उन हॉस्पिटल्स को इनटू कोविड हॉस्पिटल्स। वही मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को जितने भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको जल्दी से जल्दी कोविड हॉस्पिटल्स या कोविड सेंटर्स कन्वर्ट करें, क्योंकि एमसीडी के जरूर है लेकिन एमसीडी के पास पावर नहीं है उनको कन्वर्ट करने के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज, सीएम साहब आके कहते हैं आरएमएल को ब्लेम करते हैं, वो क्या उन्होंने एफआईआर करवा दी गंगाराम हॉस्पिटल में, वो कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स माफिया की तरह बिहेव करती है, उनको एफआईआर करवानी चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भी इलाज है उस पर कैपिंग होनी चाहिए, उस पर स्टार्टअप रेट होने चाहिए जिससे गरीब आदमी भी वहां पर जा सके। और पांचवा सुझाव, जितने आरडब्ल्यूएस हैं जहां पर सोसाइटीज हैं उनके वहां पर जो भी कम्युनिटी सेंटर हॉल्स हैं या रूम्स हैं उनको ये अथॉरिटी देनी चाहिए कि वहां पर वो बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फिर अगर वो हो सके तो वेंटिलेटर्स लगा सकें, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको अगर वहीं पर इलाज मिल जाएगा जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी तो उनको ये अथॉरिटी देनी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पांच सुझाव बताए हैं, सोसाइटी हो गई और आरडब्ल्यूएस हो गई, दूसरा जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं उनको कन्वर्ट करिए जल्दी से जल्दी, वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेस भी है, टेस्टिंग बढ़ाइए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट, जिन्होंने जो भी माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको आप एफआईआर करवाइए। और पांचवा सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने आपको बोला था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो रेट्स हैं उनको स्टैंडर्ड रेट्स करिए जिससे नॉर्मल आदमी भी वहां पर जाके अपना इलाज करवा सके। गौतम, हमने आपको देखा क्रिकेट के मैदान पर भी देखा, आप अक्सर टीम इंडिया के लिए संकट मोचक का काम करते थे, आज भी जो आपके फैंस हैं और खासतौर पर मैं दिल्ली की जनता की भी बात यहां पर करूंगी, आप आज भी दिल्ली की जनता के दुलारे हैं, एक एक वर्ड को, आपके एक एक शब्द को वो बहुत क्लोजली बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपने काफी कुछ अपने लेवल पर भी किया है, आपने बहुत कुछ अपने लेवल पर भी किया है, आप उनके बारे में, उन स्टेप्स के बारे में जो पॉजिटिव स्टेप्स आपने उठाए हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए, उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि इस हम इसे बहस नहीं कह रहे, हम इसे बातचीत कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत, जो चार महीने पहले सबसे ज्यादा जरूरत थी माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनके बारे में सोचने की, उनको राशन पानी देने की, तो मैंने कोशिश करी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि हम 4 लाख लोगों को राशन दे सके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उस एक एक फैमिली का डेटा हमारे पास है। दूसरी चीज, हमने 35,000 से ज्यादा फेस शील्ड बांटी हैं, 1.5 लाख से ज्यादा मास्क बांटे हैं, उसके बाद हमने कुक्ड फूड बांटा है। तो ये जो सारी चीजें प्लस सैनिटाइजेशन, ये तो देखिए आप एमसीडी के थ्रू करवाते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, आपने 2 लाख से ज्यादा फूड पैकेट बांटे हैं बच्चों के लिए, 5 लाख लोगों को आपने टच किया, लेकिन इन सबके फिगर्स मेरे पास हैं, एक एक आदमी के फिगर्स डेटा मेरे पास है, तो मैं कोई ऑब्नॉक्शियस नंबर यहाँ पर नहीं दे रहा। हमारे सीएम साहब टेलीविजन पे आते हैं, हमने 1 करोड़ लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं, हमने इतनी चीजें कर दी, हमने वो कर दिया, हमारे पास 30,000 बेड है, इन्होंने 30,000 बेड बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हाईकोर्ट में जाकर बताइए, हमारे पास 3,000 बेड है। आप फिगर्स में डिफरेंस देखिए, 30,000 जनता को बोलते हैं, हाईकोर्ट में जाके 3,000 कहते हैं, अभी इनके डिप्टी सीएम कहते हैं हमारे को 30,000 बेड्स की जरूरत है। गौतम, एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गौतम, ये हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं गौतम, ये दिल्ली वाले जानते हैं, दिल्ली वाले परेशान है, बेड्स की कमी है बेड्स की कमी, 9,500 के आसपास है, 5.5 लाख केसेज हो जाएंगे तो 80,000 बेड चाहिए कहां से आएंगे, वेंटिलेटर्स की कमी है, शायद 600 के आसपास वेंटिलेटर्स हैं, और वो जब 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे 4,000 वेंटिलेटर चाहिए होंगे, कहां से आएंगे। मेरा सवाल जो समाधान के तौर पर, सेंटर क्या मदद कर सकता है, कितनी मदद कर सकता है, किस हद तक मदद कर सकता है दिल्ली की, दिल्ली वालों की, अगर सिर्फ केजरीवाल भरोसे या आम आदमी पार्टी भरोसे, वो अपना काम कह रहे हैं, हम अपना बेहतर कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, संजय सिंह जुड़े, उन्होंने कहा हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, सेंटर क्या मदद कर सकता है दिल्ली वालों की, या दिल्ली, ये अगर इनका बेस्ट है तो मतलब आज आपने दिल्ली की जनता को छोड़ दिया कि आप जिए तो जिए, आप मरे तो मरे। सेंटर हर हद तक मदद करना चाहता है और हर हद तक मदद भी करेगा, और सेंटर ऐसा नहीं है कि सेंटर दिल्ली के अगेंस्ट और बाकी स्टेट्स के फेवर में, सेंटर ने हर स्टेट की मदद करी, और मैं डे वन से ये कह रहा हूं ये लड़ाई सबको मिलकर ही जीतनी है, लेकिन कम से कम आप अपनी नीयत तो दिखाइए, अपनी नीयत में सच्चाई तो दिखाइए। आप डेड बॉडीज तक पे पॉलिटिक्स करते हैं,
आज आप शमशान घाट में जाके देखिए, जगह नहीं है वहां पर। गौतम, एक पिन पॉइंटेड सवाल आपसे पूछूंगा मैं, एक मिनट, सॉरी आपको टोक रहा हूं, क्योंकि मैं ना सिर्फ सवालों पर फोकस करूंगा। एमसीडी के 3500 के करीब बेड्स हैं, मेरे को आंकड़े, आप गलत हो तो मेरे आंकड़े सही करिएगा। एमसीडी के 3500 के आसपास बेड्स हैं। आपने कहा वो बेड्स, एमसीडी के बेड्स को नहीं लिया जा सकता, एक भी हॉस्पिटल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इंदिरा वगैरह कहीं पर नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार के हॉस्पिटल जो हैं, सेंटर गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल, उसमें 11,000 के करीब बेड्स हैं, वो नहीं मिल सकते। वो शायद 800-900 हैं जो जिनका इस्तेमाल अभी हो रहा है। 11,000 बेड्स हैं सेंटर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के, बताइए। देखिए एक और चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो अगर आप सफदरजंग देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं। वो वहां पर देश भर से लोग आते हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाने। सिर्फ अगर आप कोविड के ही बारे में अभी सोचेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बाकी बीमारियों से भी, जो बाकी भी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हैं, लेकिन कम से कम एमसीडी तो दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकती है। आपने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो ही उनको कन्वर्ट कर सकती है, वही दिल्ली सरकार ही एमसीडी के हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर सकती है। कम से कम आप पहला स्टेप तो उठाइए। आज एमसीडी के किसी भी हॉस्पिटल को कोविड कन्वर्ट नहीं किया गया। आप चार महीने से आप बातें कर रहे हैं, आपके पास 30,000 बेड हैं। मेरे घर के पास आप दो ऐसे होटल्स हैं जिनको आपने कहा था कि हमने कन्वर्ट कर दिया, होटल सिद्धार्था, होटल जिवितेश। और एक हफ्ता पहले जब मेरे फ्रेंड की मदर कोविड पॉजिटिव हुई और जब गंगाराम हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, बीएल कपूर में बेड नहीं थे, तो वो फर्स्ट जो सबसे पहले होटल सिद्धार्था गए, उसके बाद वो होटल जिवितेश गए। उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के बेड्स। हाँ जी सॉरी, मैंने, आप बताइए ना मुझे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं 11,000 के आसपास है, कितने यूज हो रहे हैं गौतम? मेरे को एग्जैक्ट डेटा, मैं बताता हूँ आपको, 900 के आसपास, मैं बता रहा हूँ आपको 900 के आसपास। देखो मैं जरूर कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा यूज होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ज्यादा से ज्यादा बेड्स यूज होने चाहिए, एमसीडी के भी, दिल्ली गवर्नमेंट के भी, नो डाउट। इसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ केजरीवाल जी को ब्लेम कर रहा हूं, या मैं ये कहना चाहता हूं कि जी एमसीडी बहुत अच्छी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स यूज नहीं कर सकते। सच्चाई ये कि आप मिलकर काम करने की कोशिश तो करिए। आप पिछले 6 साल से सिर्फ ब्लेम ही ब्लेम करे जा रहे हैं, हर चीज में ब्लेम। आपकी अभी तक ऐसी क्या नीयत आपने दिखाई है? 6 साल से आप सीएम है दिल्ली के, एक आपने नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया हॉस्पिटल। और आपने जो चुनाव लड़ा है वो आपने हेल्थ फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन पे लड़ा है, ये कोई सवाल नहीं उनसे पूछेगा। 6 साल में एक नया हॉस्पिटल नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने इतने बड़े बड़े वायदे करे, ये तो यूएस में इसकी स्टडी हुई है, यूके में स्टडी हुई है, कहां गए वो मोहल्ला क्लिनिक? आप बात पूरी कर ले, क्योंकि फिर मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कोरोना के खिलाफ अगर जंग की बात हम यहाँ पर करें तो ऐसा लग रहा है ना तो नीति है, और नियत का जिक्र तो आप बार बार कर ही रहे हैं। और साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ कि केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल की कमी भी साफ दिखाई दे रही है। ना ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही कमी दिखाई क्यों दे रही है, बाकी स्टेट्स में तो ऐसी कोई कमी नहीं। जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया, पंजाब में तो ऐसी लग रहा है महाराष्ट्र अच्छा कर रहा है, तरीके से हैंडल किया, केरला ने तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, सबसे ज्यादा केसेस शुरू में केरला में आए थे, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दिल्ली में ही क्यों? क्योंकि दिल्ली में ना नियत है ना नीति है, हर चीज, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। आपने सबसे ज्यादा चलती, सबसे ज्यादा जल्दी आपको थी दिल्ली खोलने की, और खोल के देख लिया आपने क्या हशर हुआ है। आज आपने पूरी दिल्ली को एक्सपोज कर दिया कि ना आपके पास फैसिलिटी है, 30,000 बेड नहीं है आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल्ली पूरी खोलनी है। आपने भी ये कहा कि आपने एक साथ दिल्ली को खोल दिया, जल्दी दिल्ली को खोल दिया। मैं आपसे ये पूछती हूँ, ये सवाल हमने अपने पहले आधे घंटे का जो ब्रॉडकास्ट था उसमें बार बार उठाए थे। पहला, क्या लॉकडाउन खोलने में तेजी दिखाई, जल्दी दिखाई गई? और दूसरा, क्या लॉकडाउन को वापस लाना चाहिए? हालांकि दिल्ली सरकार ने ये कहा कि लॉकडाउन वो वापस नहीं लाएगी, लेकिन इन दोनों सवालों पर आपको लगता है ये भी एक तरीके का स्टेप होगा टू गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी भी मैं कहता हूं दिल्ली को नहीं खोलना चाहिए, और दिल्ली को अगर हो सके तो लॉकडाउन वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है वो ना तो कोई मिनिस्टर जानेगा। देखिए मुझे बेड मिल जाएगा एज एन एमपी, ठीक है, सीएम साहब को एक दिन अगर उनको सिम्टम्स आए तो उसी दिन टेस्टिंग भी हो गई, 3 घंटे बाद रिपोर्ट भी आ गई उनके, हेल्थ मिनिस्टर को, सारे मिनिस्टर्स को, एमएलएस को, एमपीस को मिल जाएंगे बेड, लेकिन कॉमन जनता को नहीं मिल रहे। तो कम से कम कॉमन जनता के बारे में सोचिए, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, आपके पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, अगर हो सके तो शायद लॉकडाउन आप वापस ले आइए,
खोलने में खोलने खोल तो आपने सब कुछ ही दिया है और अब आप सिर्फ ब्लेम करेंगे तो दिल्ली अच्छा, की तो फिर जनता मेरा सवाल आपसे ये भी होगा फिर मेरा सवाल आपसे ये भी होगा क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे, धार्मिक स्थल आपने खोल दिए, स्कूल्स बंद है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी लेकिन अल्टीमेटली तो स्टेट्स पे भी डाला था ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट्स को दी थी कि आप क्या क्या खोलना चाहते हैं क्या क्या नहीं खोलना चाहते। जिन आप एक महीना भी सस्टेन नहीं कर पाए इलेक्शन के बाद अपनी सरकार, सबसे पहले कोई अगर घुटनों पे आई है सरकार तो वो दिल्ली की सरकार आई है, सबसे ज्यादा जल्दी अगर किसी सरकार को तो थी खोलने की तो वो दिल्ली सरकार को ही थी, ठीक है, उससे पहले किसी और सरकार को नहीं थी। सबने क्योंकि आप जैसे मैं फिर से रिपीट करे जाऊंगा क्योंकि आपने सब कुछ फ्री में बांट दिया और लेकिन अब जब आपके पास सस्टेन करने को नहीं हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं गई, आपने कहा खोलो सब कुछ नहीं तो हम इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपने 25 लाख लोगों को दिल्ली से इसलिए भगाया क्योंकि आप उनको खाना और राशन नहीं दे सकते थे। पता है आप जो 1 करोड़ का वायदा करेगा, आप जो जो बातें कह रहे हैं ये प्रॉब्लम है मैं जानता हूं, लेकिन पता नहीं सुनकर लग रहा है कि केंद्र राज्य की लड़ाई में दिल्ली वाले पिस गए बेचारे। वो प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हैं, वहां हालत क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पॉकेट नहीं अलाउ करती, चार चार पांच पांच लाख रुपए एक मिडिल क्लास आदमी कहां से लाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या क्या करें, आपकी लड़ाई केंद्र राज्य की, दिल्ली वाले कहां जाएं सर। तो आपको यही मैंने आंसर दिया है, सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैपिंग करनी चाहिए कि इससे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं चार्ज कर सकते, जो भी स्टैंडर्ड रेट्स हैं, जो भी कॉमन आदमी वहां पर जाके आसानी से दे सके। इसलिए मैंने आपको पहले 5 सुझाव दिए थे और वो 5 सुझाव जल्दी से जल्दी इनको करने चाहिए, इंप्लीमेंट करने चाहिए, सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े एड जो रोज देते हैं फ्रंट पेज पे, आपके न्यूज चैनल्स पे भी देते होंगे और हर रेडियो स्टेशन पे हर दूसरे गाने के बाद जो सीएम साहब अपनी आवाज सुनाते हैं, ये जो सारा पैसा इस वक्त दिल्ली की जनता के लिए जाना चाहिए, अपनी तस्वीर दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता की आपने बात की गौतम, और दिल्ली की जनता की ही बात हम भी कर रहे हैं, दिल्ली की जनता की ही बात कर रहे हैं, मुंबई की जनता की ही बात कर रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा कि सोल्यूशन पर फोकस करेंगे हम, ये नहीं ढूंढेंगे कि गलती किससे हुई है, हम ये बात करेंगे कि गलती को सुधारना कैसे है, हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, लोगों की हालत कैसे बेहतर हो। मैम 6 साल से सिर्फ केंद्र और दिल्ली की सरकार की इश्यूज हैं 6 साल से, क्योंकि 6 साल में आप सिर्फ ब्लेम ही करते गए, और तो किसी स्टेट ने इतने इश्यूज नहीं देखे, सिर्फ हर जब भी आप देखो हमारे को सेंटर से मदद नहीं मिल रही, हमारे को एमसीडी से मदद नहीं मिल रही, आप कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप किस चीज में खड़े होके ये अपना हाथ खड़ा होकर के कहेंगे कि हाँ जी मुझसे आप सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आपने बहुत मुखर तरीके से सवाल उठाए, आप दिल्ली की जनता के सवाल उठा रहे हैं, मैं चाहूंगी आप रहिए हमारे साथ क्योंकि इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अक्षय मराठे और आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर गौतम गंभीर द्वारा मराठे जी 3-4 बातें उठाई गई, उन्होंने कहा एमसीडी के अस्पतालों को कोविड अस्पताल क्यों नहीं बना रहे, उन्होंने साफ साफ ये कहा जो आरडब्ल्यूएज हैं वहां पर आपने कदम क्यों नहीं उठाए, उन्होंने एग्रेसिवली टेस्टिंग की बात की, ये बड़े सुझाव उनके द्वारा दिए गए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैप क्यों नहीं लगा रहे आप? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सुन रहा था गौतम गंभीर जी को, मैंने उनका आखिरी हिस्सा सुना उनकी बात का, और वो कह रहे थे कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं केंद्र के साथ। मैं उनकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए भी कहना चाहूंगा कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो या आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, हमने पूरी कोशिश की है कि हम भाजपा कांग्रेस कोई भी पार्टी हो उनके साथ ना टीवी डिबेट पे लड़ाई करेंगे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके उनको उनके साथ लड़ाई करेंगे। तो हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है कि राजनीति को इससे पूरी तरह से बाहर रखा जाए, लेकिन उसके ठीक उलट भाजपा के प्रवक्ता चाहे सांसद हो चाहे एमसीडी वाले हो, वो टीवी डिबेट पे आकर अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के लिए। छोड़िए वो सब बातें हो गई, अब छोड़िए अब हो गया। कमेंट यहां पे मालिनी अवस्थी जी का ले लेती हूं। अक्षय एक सवाल एमसीडी हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दीजिए भैया, 3500 बेड्स हैं, दिल्ली वालों की मदद हो जाएगी, हम सुझाव कर रहे हैं ना ताल ठोक के में, एमसीडी हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट आप करवा दीजिए, गौतम कह रहे हैं कि आप करवा सकते हैं दिल्ली सरकार, एमसीडी हॉस्पिटल्स में कैप भी लगवाइए। ये दो सवाल है, इसके सीधे जवाब फिर मालिनी अवस्थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुंबई में बीएमसी जो है, क्या उन्होंने किसी राज्य सरकार के आदेश का वेट किया था अपने अस्पतालों को कन्वर्ट करने में? एमसीडी अस्पताल आज चाहे तो तुरंत कोविड के अस्पताल बन सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, कोई उनको रोक नहीं रहा
क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनको दिल्ली की जनता ने चुनकर नहीं भेजा एमसीडी में? समय राजनीति नहीं करना चाहती इस वक्त। मेरी कोशिश है समाधान ढूंढने की, मेरी कोशिश है जो इस वक्त त्रस्त जनता है, जो बहुत उम्मीद के साथ इस पूरी बातचीत को सुन रही है, जो सोच रही है कि कुछ सुझाव निकल कर आएंगे, उसकी उसे अपनी समस्याओं से निजात मिलेगी। जी न्यूज कई सवाल बार बार उठा रहा है, हमारा सातवां सवाल जो है वो एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, कोरोना से जंग में नीति का अभाव है या फिर नियत का? जी हाँ, सातवां सवाल ये है कि कोरोना से जंग में नीति का अभाव है या नियत का? और इसी सवाल के जवाब के लिए मैं आऊंगी, अक्षय आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले माननीय अवस्थी जी, आप इतना जाना पहचाना चेहरा, आपको लोग देखते हैं सुनते हैं, और माफी भी चाहूंगी आपको इतना इंतजार करना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले आप नीति का अभाव देख रही हैं, नियत का अभाव देख रही हैं, आपका सुझाव क्या है? मैम आप राजनीति से परे हैं लेकिन राजनीति को क्लोजली देखती भी हैं। मुझे लगता है कि कोरोना ने ये तो देखिए सभी को स्वीकार करना चाहिए और सब इस बात को जानते हैं कि ये अप्रत्याशित परिस्थिति है पूरे विश्व के लिए। इस प्रकार की महामारी जिसके बारे में, जिसके विकराल के रूप के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं, एक ये हमारे लिए एक सबक भी है कि किस तरह से भविष्य की तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये मैनमेड केमिकल वेपन है जैसा कि बहुत लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले साल वार कुछ और भी हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये सारी सरकार की, सभी राज्य सरकार जो जहां भी हो, उनके लिए भी एक सबक है कि उनकी अपनी जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कितनी अब एडवांस स्टेज में उनकी अब जानी चाहिए। और मैं आपके सामने, शायद पूरी दुनिया देख रही है इस समय, अभी गौतम जी को मैं सुन रही थी कि 16 लाख माइग्रेंट लेबर्स, इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड करीब 38 लाख माइग्रेंट लेबर्स यूपी में आए हैं, 38 लाख माइग्रेंट लेबर्स यूपी में आए हैं। और उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आए हैं बल्कि पूरे प्रदेश की, मैं यदि उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये कभी भी A1 नहीं मानी गई थी अभी तक, यदि आप देखिए यदि राष्ट्रीय जी। लेकिन मैं आपसे बता नहीं सकती कि हमारे प्रदेश की जो आशा, आंगनबाड़ी, ANM वर्कर्स हैं, इन्होंने किस तरह से घर घर जाकर के काम किया। कहने का उद्देश्य ये कि आज जब हम लोग देखते हैं मनीष मुंद्रा या सोनू सूद जैसे लोग जो इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पे कोरोना की लड़ाई में एक सोल्जर बन करके सामने आए हैं, भरसक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटी इकाई हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, आशा और ANM वर्कर्स। अच्छा, मोबिलाइज कर अपनी सारी शक्ति को मोबिलाइज करना, उसके लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी प्लानिंग, दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत कमाल की एक ऐसी योजना। और मुझे लगता है यदि इच्छा शक्ति होती है तो फिर साहस, बल और सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है, मुझे लगता है। लेकिन अगर दिल्ली और मुंबई पर फोकस करें, दिल्ली और मुंबई एक जो है हमारी राजधानी और एक हमारी आर्थिक राजधानी, हालात कोरोना विस्फोट, कोरोना कैपिटल, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं जो अभी त्यागी ने, आदिति ने पूछा था कि आपको क्या लगता है, नीति का अभाव या नियत का अभाव? हम पॉलिसी के लिहाज से हम लोगों कहीं चूके हैं या आपको लगता है कि नियत के लिहाज से सेंटर स्टेट का टकराव, नीति का अभाव या नियत का अभाव कोरोना से जंग में? ये मेरा सवाल है दिल्ली मुंबई के लिहाज से। ये तो बहुत व्यक्तिगत हो गया कि नियत है कि नहीं वही जानते होंगे, लेकिन नीति का अभाव निश्चित रूप से दिखता है मुझे, नीति का अभाव निश्चित रूप से दिखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत बुरी हालत भी हुई है लेकिन सब अपने ढंग से कोप अप कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि माइग्रेंट लेबर्स जब सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुली हैं तो बहुत बड़े हमारे जो माइग्रेंट लेबर्स कह रहे हैं, जो विदेशी हमारे सबसे पहले भारत जिन्होंने आना शुरू किया, उनमें सबसे पहले पंजाब से केसेस हमको सामने आए थे जिनमें कि कोरोना वो कोविड पॉजिटिव भी थे। और पंजाब में लोगों को ये लग रहा था कि ये तो बिल्कुल टाइम बॉम्ब है क्योंकि अब धीरे धीरे ये सब तक पहुंचेगा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहां पर अच्छा नियंत्रण किया है पंजाब में, तो मुझे लगता है ये नीति की बात है। नियत तो मैं ये नहीं मानती कि कोई ये नहीं चाहता होगा व्यक्तिगत रूप से कि मैं नियंत्रण ना करूं, लेकिन करना, उसके लिए सुझाव लेना, योग्य व्यक्तियों से परामर्श लेना, और सबसे बड़ी बात दिन रात भूल कर 24 घंटे में 20 घंटे एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए खड़े रहना। यहाँ पर ये युद्ध जैसी स्थिति है और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर या नर्सेस को ही हम कोविड सोल्जर नहीं मान सकते, सबसे पहले तो
मुख्यमंत्री को ही सिपाही बनकर के सामने। मालिनी जी आप बहुत अहम पहलू यहाँ पर उठा रही है। देखिए हमारे दर्शकों को ये भी यहाँ पर समझाना चाहती हूँ मैं कि मालिनी जी यहाँ पर देखिए दिल्ली और मुंबई में जो जंग है कोरोना के खिलाफ इस समय उसमें हम देख रहे हैं केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मालिनी जी जो पॉइंट्स उठा रही हैं एक तरीके से मैम कह रही हैं उत्तर प्रदेश मॉडल, उन्होंने बताया कैसे 38 लाख माइग्रेंट लेबर जो है उसको वापस लिया है उत्तर प्रदेश ने और सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया है। तो दिल्ली मुंबई के समाधान पत्र की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर समस्या की बात नहीं कर रहे, हम समाधान की बात कर रहे हैं, हम हल की बात कर रहे हैं। कैसे जो दिल्ली और मुंबई के करोड़ों लोग हैं इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमने इसीलिए बुलाए हैं ताकि आप तक हल हम पहुंचाएं, सॉल्यूशन हम पहुंचाएं, सिर्फ समस्याएं आपको ना गिनवाएं, क्योंकि समस्याएं तो आप पिछले ढाई महीने से गिन ही रहे हैं, 2.5 मंथ से आपको समस्याएं बताई जा रही है। हमारे साथ लगातार आपको बता दें मालिनी अवस्थी जी लगातार हमारे साथ हैं। मालिनी जी, अगर मैं 3 उपाय आपसे जानना चाहूं, 3 मंत्र जो आपने योगी मॉडल यूपी मॉडल का जिक्र किया, दिल्ली और मुंबई के लिहाज से 3 उपाय 3 मंत्र आपके हिसाब से, ऐसे हम कोरोना को हराएं और जो है दिल्ली और यूपी, दिल्ली और मुंबई को बचाएं, कैसे 3 मंत्र मालिनी जी? देखिए मैं कोई इसमें ऐसी कोई जानकार बिल्कुल भी नहीं हूं, जो मैंने देखा है यहाँ पर मैं उसके अनुभव के आधार पर कहती हूँ, और कोई इसका सिवाय एक मंत्र कर्म के अलावा कोई दूसरा मंत्र है नहीं, और उस कर्म में सब कुछ चीजें आ जाती है। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो आपकी मशीनरी जो जिम्मेदार है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के मुझे लगता है कि दिन रात मेरे ख्याल में उनके साथ एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहिए, और ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति हर विषय का जानकार नहीं हो सकता, तो जो जानकार हैं उनको कमान जरूर पकड़ाएं और मेरे ख्याल में उनसे सुझाव भी लें, आम जनता की भी भागीदारी लें। और इस समय मैंने जैसा पहले भी कहा कि जैसे जब युद्ध में दुश्मन की ओर से आक्रमण होता है तो कई बार कई कैजुअलिटीज होती है क्योंकि इंसान इधर का पक्ष तैयार नहीं होता वार के लिए, कुछ कुछ कोरोना ने हम लोगों की वैसे ही बड़ी लाचार स्थिति कर दी है। तो ये इस समय ज्ञान देना, इस समय मंत्र देना मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सब अपनी क्षमता के अनुसार करें, लेकिन लड़ाइयां वही पक्ष जीतते हैं जिनके सेना नायक हारी हुई बाजियों को भी जीतने में सक्षम होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हौसला बढ़ा करके रखें, आपकी जो कमजोर पक्ष हैं उनको खुद स्वीकारें, उनके साथ बैठें। मुझे लगता है जैसे मुंबई में हालत इतनी खराब थी, बहुत आलोचना हुई, लेकिन अभी कुछ लोगों ने कहा 2-3 दिन से मुंबई संभला है, तो ये वहां के आंकड़े भी थोड़े से बेहतर हुए। और तमिलनाडु का उदाहरण लें, तमिलनाडु में खुद ही स्थिति इतनी खराब थी लेकिन चेन्नई की स्थिति फिर भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति हो सख्ती से इम्प्लीमेंट करने का। मैं देख रही थी कि डॉन अखबार में वहां के जो कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने जब उत्तर प्रदेश के पाकिस्तान के संदर्भ में तुलना करी कि कैसे उतनी ही जनसंख्या होते हुए यहाँ पर कैजुअलिटीज इतनी कम क्यों हुई, तो किसी ने उनको उत्तर दिया, मैं हंस रही थी पढ़ के, उसमें लिखा था कि बहुत डेकोरियन स्टाइल में यहाँ पर लागू किया गया लॉकडाउन, यानी कि बहुत सख्ती के साथ इंप्लीमेंट किया। तो यही है उतना तो यूपी है हमारा। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मैम आपको बता देती हूँ हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले तहसीन पूनावाला है, और साथ ही हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। तहसीन पहले आपके पास आ रही हूं, मुंबई से ताल्लुक, पुणे से ताल्लुक, जब हम आज मुंबई और दिल्ली को लेकर ये बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं और हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये चाहती हूं आप 3 पॉइंट्स गिनवा दीजिए जो कि दिल्ली और मुंबई की हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहली पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी रिजाइन कर दे क्योंकि कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है बीजेपी की वायरस, सोल्यूशन है सबसे पहली, क्योंकि जितना झूठ मोदी जी ने बोला है जी न्यूज पर झूठ बोला है, कहा है कि हमने सब कुछ, मैं नहीं चाहता उस लेवल पर उतरना। क्या तहसीन आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, सीरियस राहुल जी को पीएम बना दो। मैं बहुत ही सीरियस हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, ये उनकी असफलता का प्रमाण है, उनकी असफलता का प्रमाण है, उनकी झूठ का प्रमाण है, ये सुझाव है आपको, देख रहे हो आप ये चाहते हैं, ये आपका सीरियस सुझाव,
मैं देख रहा हूं कि वो राजस्थान और गुजरात में क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सीरियसली दोबारा से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। जो व्यक्ति जी न्यूज पर आकर झूठ बोलता है कि हमने सबकी स्क्रीनिंग की थी जनवरी से, पता चलता है क्या आपसे सवाल होता है में? क्या मैं आपसे समाधान पूछ रहा हूं? आप संकट बता रहे हैं, आप कह रहे देश पर एक और संकट ले आइए, सरकार गिरा दीजिए, मोदी जी से रिजाइन। नरेंद्र मोदी जी अगर इस देश से जाएंगे प्रधानमंत्री के रूप में, देश में चार चांद लग जाएंगे, देश प्रगति करेगी। तहसीन एक मिनट, आई एम सॉरी, आज के दिन मैं कोई राजनीति, एक मिनट सुनिए, मैं संक्रमण पर सियासत में आपसे 10 सवाल पूछ सकता हूं। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, संक्रमण पर सियासत नहीं, थोड़ा समाधान की बात करिए, लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मोदी जी रिजाइन कर दें, सरकार, ये तमाम चीजें ठीक नहीं है। मैं फिर से इसलिए आपसे रिपीट कर रहा हूं, कोई सुझाव दीजिए, समाधान अगर आपको देना है जो अब तक आए। मैं एक बार आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आईसीएमआर की गाइडलाइंस में अगर बदलाव हो जाए तो टेस्टिंग थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, आसान हो जाएगी, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। ये दिल्ली मुंबई का समाधान पत्र आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, अगर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा तो ये सॉल्यूशंस हैं। आप समझ रहे हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, समाधान हैं और ये हल है समस्या का। समस्या बैठकर कोई भी गिना देगा। आप जी न्यूज देख रहे हैं क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं भाई संकट से कैसे निकला जा सकता है। तहसीन, अगर आप सॉल्यूशंस बताना चाहें, हल बताना चाहें, राजनीति से ऊपर उठना चाहें, केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की बात करना चाहें, टीम इंडिया की बात करना चाहें, दिल्ली और मुंबई की जनता की बात करना चाहें, तो फ्लोर इज ऑल योर्स। बिल्कुल, नीति आयोग माफी मांगे कि उन्होंने कहा था 16 मई के बाद कोई नई केस नहीं होगी और अपने गाइडलाइंस को चेंज करें, और क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। और जीएसटी का जो पैसा है मेरे महाराष्ट्र का, माफी से अभी तक 1600 तहसीन में क्या करूं, आप बताइए, अब अच्छा लगता है, माफी से लोगों की जान बचेगी? बचेगी बताइए, माफी से लोगों की जान बचेगी? कोई माफी मांग लेगा तो क्या केसेस कम हो जाएंगे? मैं आपसे सीरियस, शहजाद पूनावाला आपके हिसाब से, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई सियासत नहीं, संक्रमण पर सुझाव दीजिए, हमको पॉइंट्स गिनाइए, ये चीजें हो सकती हैं। पिछले 1.5 घंटे में बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रही है। आप दोनों को इसलिए बुलाया था क्योंकि आप लोग बताते कि ये करने की जरूरत है। शहजाद, आपके हिसाब से पॉइंट वाइज गिनाइए, ये मंत्र हैं, ये उपाय हैं। शहजाद, हाँ अमन जी, देखिए पहले तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं और जो दूसरी कैटेगरी के जो इससे पहले वक्ता थे वो हर सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम निकालते हैं। तो ऐसे नकारात्मक वक्ताओं को का समय खर्च करना और अपना समय खर्च करना व्यर्थ है। मैं आपको 3 सुझाव देता हूं। पहले, एक तो जो डेटा है, जितने मरीज है और जितने डेथ हो रही है, उसमें राज्य सरकारें छुपाने का काम ना करें, चाहे ये दिल्ली की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, कोई भी सरकार आंकड़े ना छुपाए। दूसरी बात, ऐप के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाना, बेड की कितने बेड कहाँ अवेलेबल है, ये तो अच्छी बात है, पर वो डेटा जो है वो डेटा कौन अपडेट करेगा? वो अस्पताल अपडेट ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा ये सुझाव है दिल्ली सरकार से, या कोई भी सरकार अगर ऐप पे जारी करती है अपना जानकारी, वो अपने सरकारी मुलाजिम को भेजे ताकि वो उधर एक विभाग बनाकर कि इस हॉस्पिटल में इतने बेड है और वो टेक ओवर कर दे। ऐप का मैनेजमेंट अगर आप अस्पतालों को देंगे तो वो तो अपने मर्जी से डालेंगे और कहीं डालेंगे नहीं डालेंगे, फिर वो पेशेंट वहां पे पहुंचता है, बेड अवेलेबल नहीं होता। तीसरा, मोदी विरोध 6 महीने के लिए रोक दीजिए, कोरोना विरोध कीजिए। पीआर का काम 6 महीने के लिए रोक दीजिए और सब्सटेंस पे और ग्राउंड पे काम कीजिए। जावेद अख्तर साहब से लेकर तहसीन अख्तर साहब तक मोदी विरोध करने के लिए और वर्ल्ड के बेस्ट सीएम के बारे में ट्वीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पीआर करने में इनका ज्यादा फोकस है, सल्यूशन पर और काम करने पर कम फोकस है। एक महिला की का शव मिला सरकारी अस्पताल के टॉयलेट में 6 दिन बाद 7 दिन बाद, आप बताइए कि वहां की क्लीनिंग नहीं हो रही है सरकारी अस्पताल में? ये इस तरीके की अव्यवस्था, ठीक है। तो आपने एक ऐप का जिक्र किया यहाँ पर, आपने ऐप का मैनेजमेंट सरकार करे इस बात का जिक्र किया आपने, आप हाइजीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं और जी न्यूज कई सवाल लगातार उठा रहा है, जिस सवाल का को अभी थोड़ी देर पहले मैंने तहसीन से भी पूछा, क्या केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल की जरूरत है? क्या वो तालमेल, सवाल को दोबारा से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्यों में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आप गौतम गंभीर को सुन रहे थे वो भी इस बात को कह रहे थे कि प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली में आ रही है,
तो क्या केंद्र राज्यों में बेहतर तालमेल की जरूरत है? क्या राज्यों को भी इस बात को समझने की जरूरत नहीं है? और कोरोना विस्फोट से निपटने की तैयारी क्या हो, ये भी एक और सवाल है जिस पर मैं तहसीन पूनावाला आपसे बात करना चाहती हूँ। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त दोष निकालने का नहीं है, ये दोषी ठहराने का वक्त नहीं है, ये वक्त है सॉल्यूशन का, आगे बढ़ने का। जी, तो देखिए, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनली 4 घंटे में लॉकडाउन बिना चीफ मिनिस्टर्स को पूछते मोदी जी ने लगाया, आज मैं आपको एक सवाल सामने पूछता हूं, क्या कोई विपक्ष के चीफ मिनिस्टर है जो ये बता सकते हैं? सूत्रों के हवाले से नहीं, एक्चुअली पीएमओ ने बताया, चीफ मिनिस्टर बता सकते कि मोदी जी से फोन उठाकर बात कर सकते कि हमारी ये समस्या है, हमारी मदद कीजिए। कोई भी विपक्ष के सीएम से मोदी जी बात नहीं करते। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, दोबारा से अगर आप मुझे टोकोगे, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जब चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, रोटेशन से चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर से बोलने का मौका मिलेगा, वो भी 15 मिनट के लिए 15 दिन बाद, तो कैसे होगा? प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर से हर मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। लेकिन अपनी बात समाप्त करता हूं, जिस अशोक गहलोत की तारीफ मोदी जी ने के सीएम कॉन्फ्रेंस में, आज उसकी सरकार को गिराने का पाप कर रहे हैं। इससे क्या सोल्यूशन मिलती है दिल्ली वालों को या मुंबई वालों को, जो इस वक्त बेड की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस वक्त जान की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपकी बातें जब मैं सुन रही हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सियासत सुनाई दे रही है। आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर, और आप मुझे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप मुझे कह रहे हैं कि राज्य सरकारों के साथ ये हो गया, गहलोत साहब की तारीफ, ये तारीफ का वक्त है? और दिल्ली मुंबई में किसकी सरकार है फिर, किसकी सरकार? बहुत अच्छा सवाल, उम्मीद है आप टोकोगे नहीं, 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी की सरकार है। मोदी जी ने जी न्यूज पे कहा 15 मार्च को सबकी स्क्रीनिंग हुई, सबसे ज्यादा विदेश से लोग मुंबई में आते हैं, स्क्रीनिंग नहीं, सिर्फ 19% लोगों की। मोदी जी ने झूठ बोला, ये वायरस विदेश से आया है, मेरे महाराष्ट्र में मोदी जी के झूठ और लापरवाही से आया। दूसरी बात, अपनी बात समाप्त करता हूं, जिस राजस्थान मॉडल को आपको रेप्लिकेट करना चाहिए कोविड के समय, उस सरकार को गिराने की कोशिश करें, और आप तालमेल की बात करें। तीसरी बात, मेरा 16,000 करोड़ दे दो महाराष्ट्र को। रेप्लिकेट करना चाहिए क्या? मुंबई मॉडल को भी देश को रेप्लिकेट करना चाहिए ना, दिल्ली मॉडल को भी रेप्लिकेट करना चाहिए, मुंबई मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहिए क्या? जी बिल्कुल करना चाहिए। मुंबई मॉडल, आप जानते हैं मुंबई में कितने केसेस हैं? 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हो गई, 1500 के करीब केसेस हैं। मुंबई मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहिए जो कोरोना कैपिटल इस वक्त बनती नजर आ रही है। मैं जवाब दे देता हूं, बिल्कुल रेप्लिकेट करना चाहिए मुंबई मॉडल को, क्योंकि बेस्ट मॉडल राजस्थान और छत्तीसगढ़, पर मुंबई को भी कर सकते, क्योंकि धारावी में चेन तोड़ा है मुंबई ने। यस, मृत्यु ज्यादा हुई है मुंबई में, लेकिन मोर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र की गुजरात से कम है, जहां पर 7% मोर्टेलिटी रेट है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर कोई धरावी मॉडल है, अगर कोई ऐसा मॉडल है तो बताइए ना, सुझाव तो दीजिए ना। तहसीन, आपको किसने बोला? एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, आराम से सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, सुनिए। अगर कुछ इस तरह का आपके पास कोई कुंजी है, कोई जानकारी है, कोई मंत्र है, कोई धरावी में अगर इस तरह की चेन अगर तोड़ी गई है तो बताइए ना। हो सकता है आप समझिए कि दिल्ली वालों के काम आ जाए, हो सकता है वो जानकारी मुंबई वालों के काम आ जाए, कभी तो हम सियासत से ऊपर उठ सकते हैं ना। जिंदगी जिंदगी मौत का सवाल है तहसीन, बताइए कोई मॉडल बताइए है, फिर शहजाद में आपके पास आऊंगा, बताइए मॉडल बताइए। चलिए धरावी मॉडल बताइए, क्या किया, कैसे किया, बताइए। मैं बताता हूं धारावी में क्या किया। धारावी में टेस्टिंग उद्धव ठाकरे जी ने 8 बार ज्यादा बढ़ा दी बाकी देश से प्रति, 8 बार, यानी कि हर एक घर को धारावी में चेक किया गया, सिर्फ टेस्ट, 2 टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्टिंग और उसके बाद नॉर्मल टेस्टिंग। उसके और एक 10 सेकंड रुका, जितने भी लोग सेक्शन वाइज उन्हें स्कूल में क्वारंटीन किया गया, उन्हें वायरस था या नहीं था, टेस्टिंग के बाद भी क्वारंटीन किया गया, इसलिए धारावी मॉडल टूटा। लेकिन गुजरात में मोर्टेलिटी रेट 7 टाइम ज्यादा है। बस, आपने जो बोला बोल दिया, आपने समझ में आ गया, टेस्टिंग बढ़ाई जाए और जो है टेस्टिंग होने के बावजूद जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। शहजाद पूनावाला, ये 2 सुझाव, टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए भाई, टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, केसेस सामने आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, और टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। टेस्टिंग बढ़ाएगा कौन, तो सवाल है ना, टेस्टिंग बढ़ाएगा कौन, वो जिम्मेदारी किसकी है? शहजाद,
और अदिति अभी आप तहसीन पुनावाला को मेरे सामने नहीं रखे, अच्छी बात है, वरना मैं उनकी पोल खोल देता। ये कितने कंफ्यूज्ड है, भिलवाड़ा मॉडल को सेलिब्रेट करते हैं पर बोलते हैं 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया। भिलवाड़ा मॉडल तो स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था, तो आप लॉकडाउन के साथ है या लॉकडाउन के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, ये बोलते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, तो भाई राहुल गांधी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार हमारी देन नहीं है, वो तो उद्धव ठाकरे जाने, वो तो अपने मंत्री रखने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे उद्धव ठाकरे से, तो इतना वाहवाही करने वाले काम कर रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार, तो राहुल जी को बोलो क्रेडिट ले कभी। तीसरी बात, ये अब टेस्टिंग की बात आ रही है, अरे भाई तो बंगाल में भी तो टेस्टिंग करवा लो। अब आज तो दिल्ली सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपने टेस्टिंग कम करवा दी है, तो ये जहां पे ये अपना क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं वहां पर तो इन्होंने टेस्टिंग कम करवा दिया था, और टेस्टिंग ही नहीं आंकड़े भी झूठे दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं आदित्य, ट्रू फिगर्स ऑफ कोरोना डेथ्स आर नॉट बीइंग रिपोर्टेड नाइदर इन दिल्ली नॉर इन महाराष्ट्र। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका जो है ना नंबर कम लगे, और ये मेरा महाराष्ट्र इन्होंने महाराष्ट्र को न्यूयॉर्क बना दिया, इन्होंने महाराष्ट्र को इटली बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि न्यूयॉर्क से तुलना लगातार की जा रही है, और जो इतने हाई नंबर ऑफ केसेस है वो चिंता बढ़ाने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मुंबई मॉडल का जिक्र यहां पर कर रहे थे, अमन सवाल पूछ रहे थे तहसीन से कितने संक्रमित केसेस है, और सवाल जो लगातार, दो सवाल यहां पर मैं उठाना चाहती हूँ। एक तो ये कि कोरोना विस्फोट से निपटने की तैयारी क्या है, विस्फोट लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूं, ध्यान से सुनिए, और शवों के अपमान के आरोप कितने सच हैं, क्योंकि इस बात को लेकर भी आप तक इन्फॉर्मेशन बार बार पहुंचाई जा रही है। तहसीन पूनावाला, अभी आप मुंबई मॉडल की बात कर रहे थे ना, दिल्ली वाले भी आपको देख रहे हैं इस वक्त, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी आप देखे जा रहे होंगे, आप अपनी सरकार के मॉडल को पेश कर रहे थे जिसमें रेलेवेंट पॉइंट ये भी है कि राहुल गांधी ने दूरी बना ली थी, उन्होंने कहा हम तो सपोर्टिंग रोल में, ब्लास्ट हुआ तो क्या तैयारी है? जी दो चीज की आपने दो सवाल उठाए। सबसे पहले जो आपने बॉडीज की का सवाल उठाया, शहजाद भाई ने भी पहले उस सवाल उठाए थे जो जलगांव में हुआ, बहुत ही निंदनीय वो घटना थी, और जलगांव के एमपी एमएलए और सिविक बॉडी, और ये हॉस्पिटल सिविक बॉडी के नीचे आती, तीनों बीजेपी चलाती है, और वहां पर भी फेक वेंटिलेटर्स पाए गए थे, यानी कि जहां जहां भाजपा है फेक वेंटिलेटर्स। अब दिल्ली की आप बात करते हैं, उसमें मैं आ जाता हूं। देखिए अरविंद केजरीवाल बेहतरीन काम कर रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में जब तक एलजी ने इंटरफेयर करना शुरू नहीं किया। अब एलजी अगर अरविंद केजरीवाल चुने और चीफ मिनिस्टर के डिसीजन को रिवर्स कर सकते हैं, तो सारी जिम्मेदारी एलजी की होती है, एलजी को इसके लिए जवाबदारी देनी चाहिए दिल्ली में क्या हो रहा है। नहीं, आप कुल मिला के फिर वही दोषारोपण की गेम में लग गए ना, ब्लेम गेम में लग गए। मैं आपसे सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं बताते सर। समस्याएं गिनवाना तो मेरा भी काम है, गिनवा दूंगी मैं, फिर मुझमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा, फिर सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। हाँ बताइए, दो है, जीएसटी के महाराष्ट्र और दिल्ली के पैसे दे दो ताकि वो अपना खर्च कर सके। दूसरी चीज, स्टेट्स को आप फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए गाइडलाइंस के अंदर और टेस्टिंग के अंदर। जो टेस्टिंग होती है केंद्र के हिसाब से होती है, जैसे सकल दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन कम्युनिटी में हो रहा है, लेकिन केंद्र से स्वीकार नहीं कर रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। चलिए ठीक है, तो ये सवाल लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन फिर से इसकी भी इसकी तरफ ठाकरे थोड़ा इशारा हो रहा था उस तरफ, तैयार है उस तरफ की तैयारी। आपने क्या कहा कि सामुदायिक संक्रमण हो चुका, ठीक है। हमारे साथ आतिशी जुड़ गई है आम आदमी पार्टी से। आतिशी, आपसे सवाल ये, देखिए हम बहुत कंस्ट्रक्टिव आज हम बहस नहीं कर रहे, आज हम चर्चा आप इसे कह सकती हैं, बातचीत इसे कह सकती हैं, हम यहाँ समाधान की बात कर रहे हैं। जब संजय सिंह आए थे थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उन्होंने टेस्टिंग को लेकर बात कही थी, उन्होंने टेस्टिंग को लेकर रियायतों की भी बात कही थी, आपके क्या सुझाव होंगे, आपका क्या मंत्र है? देखिए मुझे तो लगता है कि आज के दिन में हमें तीन चीजें हैं जो कोरोना से बचा सकती हैं। सबसे पहली सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क पहनना, तीसरा हाथ धोना। जब तक हम ये तीन चीजें नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी कर ले हम कोरोना से नहीं बच पाएंगे। और दूसरा, हमने ये भी देख लिया है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी केसेस बढ़ते गए, जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे थे, जहां पे मास्क और हाथ धोने का काम नहीं हो रहा था। तो ये तीन चीजें सबसे जरूरी हैं कि इनको मेंटेन करते हुए हमें चीजों को आगे बढ़ाना होगा, और तभी मुझे लगता है हम कोरोना के खिलाफ। मेरा सवाल आपसे सरकार के लेवल पर था, मेरा सवाल बेड्स की कमी को लेकर था, मेरा सवाल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को लेकर था, मेरा सवाल मेडिकल स्टाफ की कमी को लेकर था, जो हमारे दर्शक लगातार हमें लिख रहे हैं। और थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर ने यह कहा आप एमसीडी हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स बना दीजिए। देखिए हम तो एमसीडी को कह ही रहे हैं पहले दिन से कि बनाए एमसीडी अपने अस्पतालों को कोविड। उन्होंने कहा ये राइट आपके पास है, एमसीडी खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकती। क्या वो झूठ क्यों बोल रहे हैं?
ये बहुत क्लियर है। आप बीएमसी को देखिए, बीएमसी इतने सारे अस्पताल चला रही है, बीएमसी ने क्या महाराष्ट्र की सरकार को कहा कि आप चलाओ, हम नहीं चला सकते हैं, हम अपने अस्पताल, वहां पे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी कोविड है, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कोविड है, बीएमसी के अस्पताल भी कोविड है। अभी की सिचुएशन बता सकती हैं, कितने बेड्स, कितने वेंटिलेटर्स दिल्ली वालों के पास? ये जो सिचुएशन है, ये अगर आप एक बार कोविड हमारी कोविड ऐप को खोल करके देख लीजिएगा तो वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा। मैं भी एज हम बात कर रहे हैं, मैं कोविड ऐप को ही खोल रही हूँ जिसमें सारे डेटा के फिगर्स अवेलेबल हैं कि कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कितने वेंटिलेटर्स। सेकेंड देखिए, ये तो एक बेड्स पर्याप्त है, पर्याप्त हमारी जो प्रोजेक्शंस है कि दिल्ली को इस महीने के अंत तक 30,000 की जरूरत होगी, उतने बेड्स अवेलेबल होंगे, उतने ऑक्सीजनेटेड बेड्स अवेलेबल होंगे और उतने वेंटिलेटर्स। हमारे साथ प्रवेश वर्मा है, बीजेपी के सांसद हैं, वो इस वक्त हमारे साथ, दिल्ली से सांसद है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश वर्मा जी, हम बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि आज हम संक्रमण पर सियासत नहीं समाधान की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से दिल्ली इस वक्त कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कहां खड़ी है और फ्यूचर के लिहाज से क्या तैयारी, क्या मंत्र, क्या उपाय? प्रवेश वर्मा जी, देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है और मुझे अभी, मैं उतना संतुष्ट नहीं हूं जितना दिल्ली में प्रयास हम कर सकते थे। दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है, चाहे वो दिल्ली के गरीब लोगों को खाना खिलाने से जुड़ा मामला हो, चाहे उनको राशन देने का मामला हो, चाहे अभी सारे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी ज्योति बन गए हैं, उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक हमारे दिल्ली में लगभग 5 लाख केस हो जाएंगे। तो ये उनको 3 महीना पहले सोचना चाहिए था कि दिल्ली में इतने केस अगर बढ़ेंगे तो हमें उतनी ही व्यवस्था करनी चाहिए, उतने अस्पताल, उतने स्कूल, उतने स्टेडियम, जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री जाग रहा है कि हम स्टेडियम में बेड लगा देंगे, हम स्कूल में बेड लगा देंगे, ये आज से 3 महीना पहले ये सारी चर्चा, ये सारी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। उनके पास में फंड की कोई कमी नहीं है, प्रवेश वर्मा जी, इसमें सबसे ज्यादा फंड दिल्ली सरकार के पास आता है। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर थे, 24 करोड़ रुपए का अपना सड़कों पर प्रचार कर रहे हैं, रोज 4 करोड़ रुपए के विज्ञापन दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर थे, वो भी यही बातें कर रहे थे, वो भी यही कर रहे थे। सर, इस मंच पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप जो कि जमीन पर काम करते हैं, आप जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत काम करते हैं, आप बीजेपी के बहुत मुखर नेता हैं, मैं ये चाहती हूं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से, अभी आतिशी भी यहां पर बैठी हुई हैं, आप उन्हें 4 सुझाव ऐसे दीजिए जो दिल्ली वालों को राहत पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली वाले आपके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सोल्यूशन की बात, हल की बात, राजनीति नहीं, सियासत नहीं। आज दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हैं, आप उनको तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि वहां पर बेड की व्यवस्था करें, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, लोगों को गंभीर सिम्टम्स नहीं होने के बाद भी उनकी जान जा रही है। मैं हमारे गांव में एक स्कूल चलाता हूँ, आज हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की डेथ हो गई कोविड से, सुबह मुझे ये जानकारी मिली। लोग अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं क्योंकि जब हम देखते हैं एक बेड के ऊपर में चार चार तीन तीन मरीज बैठे हुए हैं, कोई वहां पर जाने से उसको लगता है कि संक्रमण और फैल जाएगा। मैं इनको कहता हूं आप सारे काम धंधे छोड़ दीजिए, आप ये जो सड़क के ऊपर में, अखबार के ऊपर में आपके विज्ञापन आ रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। आज दिल्ली के लोगों को जरूरत है उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिले, जो लोग इससे संक्रमित हैं, जिनकी बीमारी गंभीर होती जा रही है, हम किसके चक्कर में ना पड़े कि बाहर वालों को इलाज देंगे नहीं देंगे, दिल्ली वालों को इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे, कोई जब ऐसी कोई बीमारी आती है, ये हम भारत के हर नागरिक का ये अधिकार है, वो किसी भी कहीं पर भी हो, हमें दिल्ली का एक चुना हुआ नेता होने के कारण हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए आप जितने भवन हो सकते हैं दिल्ली में, आज उसमें बेड लगाकर ऑक्सीजन लगा दीजिए, आज आप ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस तैयार कीजिए, आज आपके पास में शव वाहन नहीं है, लोगों की मृत्यु हो रही है, 6-6 घंटे तक उनका शव अस्पताल में पड़ा हुआ है, उनके घर पर पड़ा हुआ है, कोई शव वाहन उनको नहीं मिलता जो उनको क्रिमेशन ग्राउंड तक लेके जाए। एमसीडी हॉस्पिटल, प्रवेश वर्मा, एमसीडी हॉस्पिटल पर भी अगर आप कुछ बोलते हैं, एमसीडी हॉस्पिटल वो कन्वर्ट, एमसीडी हॉस्पिटल देखिए अभी 4 महीना पहले चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, कभी एमसीडी ये
या कभी बीजेपी ने नहीं बोला कि हमने कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रखी है अस्पताल में। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता था वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम दिल्ली के अस्पतालों में दे रहे हैं। एमसीडी हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील हो सकते हैं। हाँ ये तुरंत कर दीजिए, तुरंत करें। वो कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है। अभी आतिशी यही कह रहे थे आपकी जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, एमसीडी में बीजेपी है। सुन लीजिए, आज से दो महीना पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सातों सांसदों को बुलाया, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। हमने उनको ये विश्वास दिया था कि हम ना बीजेपी है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, हम सभी आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे। ठीक है, दो महीना हो गए उन्होंने दोबारा हमसे बात नहीं करी। अच्छा ठीक है आतिशी, जाते जाते बहुत संक्षिप्त में, उन्होंने एम्बुलेंस का जिक्र किया, बेड्स का जिक्र किया, हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, भवनों को हॉस्पिटल में बदलने का जिक्र किया, संक्षेप में आपका कमेंट। नहीं, इनकी बात बिल्कुल सही है। मैं प्रवेश जी को ये बताना चाहती हूँ कि आप चिंता ना करें। बेसिकली होता ये है कि इसमें ना एक प्रोजेक्शन होता है डिजीज का, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बीमारी सबसे पहले दिल्ली में या भारत में आई है। इसका एक ग्रोथ का पैटर्न है जिसके हिसाब से एक प्रोजेक्शन होता है कि उसका डबलिंग रेट कितने दिनों में होगा। अब ये स्वाभाविक है कि उसका, और ये डबलिंग रेट जैसे समय बढ़ता है वो डबलिंग रेट की स्पीड बढ़ जाती है। तो उसी प्रोजेक्शन के अनुसार बेड्स की उपलब्धता की बात है। जो आप बात कर रहे थे स्टेडियम्स की, बैंकिंग हॉल्स की, ये जो आप बोल रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है कि अगर आप 50,000 बेड को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए आतिशी जी, दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त साथ मिलकर चलने का वक्त है। इस समय केंद्र और राज्य को साथ मिलकर आगे बढ़ने का वक्त है। इस वक्त दिल्ली और मुंबई के लोगों तक राहत पहुंचाने का वक्त है। और ये बड़ा प्लेटफॉर्म जी न्यूज का प्लेटफॉर्म आज हमने इसीलिए समाधान के लिए इस्तेमाल किया, हमने कोशिश की कि लोगों तक राहत पहुंचे। और उम्मीद करते हैं कि जो समाधान पत्र आप जी न्यूज पर देख रहे थे, कई तरह के सुझाव, सबसे बड़ा सुझाव जो मुझे नजर आया आदित्य वो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैपिंग होनी चाहिए कि इतने से ज्यादा नहीं वसूले जा सकते हैं। ये संकट काल में मुनाफा काल जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संकट काल में भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सुझाव ये, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज के लिए एक कैपिंग होनी चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं वसूले जा सकते हैं। एमसीडी के हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो जाहिर तौर पर इंफ्रा बढ़ेगा। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन, अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन, साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज़ लाइव कभी भी कहीं भी, मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोज़।